तो क्या हाल चाल है मेरे भाई का? बढ़िया। सो बीस को लेके जिस इसका हम लोग को डर सता रहा था ना भाई, वही चीज़ हुआ यार। सीरियसली मैं मतलब आज ये फिल्म रिलीज हो रहा है और थोड़ी देर बाद तो मेरे भाई इस फिल्म को देखने जा रहा है, वो भी तमिल वर्जन में। तुम लोग का भी लग रहा होगा भाई कि तमिल वर्जन में समझो क्यों देखने जा रहा है, क्योंकि ये फिल्म तो भाई हिंदी में भी रिलीज हो रहा है यार, क्योंकि ये फिल्म एक पैन इंडिया स्केल वाली फिल्म है, तो तुम तमिल में क्यों देखने जा रहा है भाई? सैड बात ये है, फिल्म के स्क्रीन ना भाई नॉर्थ साइड में ना भाई हिंदी वर्जन के बहुत कम मिले हैं। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि जो इसके डिस्ट्रीब्यूटर है वो मतलब सस्ता वस्ता कोई नशा करके भाई अपने फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया था क्या यार? मतलब तुम लोग बताओ भाई, ये फिल्म हमारे नॉर्थ साइड में रिलीज हो रहा है और इसके जितने स्क्रीन्स मिले हैं ना भाई नॉर्थ साइड के हिंदी के, उससे कहीं गुना ज़्यादा है इसके भाई तमिल वर्जन वाले स्क्रीन्स मिले हैं भाई। हमारे दिल्ली की बात बता रहा हूँ, साथ साथ मैं तुम लोग को मुंबई की भी बात बता रहा हूँ, क्योंकि ये दो जगह से भाई कोई फिल्म आके अच्छा खासा कमाई करके जाती है। सोचो जो भी लोग भाई मूड बना रहे होंगे कि चलो भाई मैं आज बीस्ट को देखने जाऊंगा, तो वो लोग भाई फिल्म को देखने के लिए थिएटर में पहुंचेंगे जब उन्हें पता चलेगा बीस्ट का शो हिंदी वर्जन वाला वो शाम को स्टार्ट होने वाला है। मैं तुम लोग आगे दिखाऊंगा डायरेक्टली पेटीएम ही खोल के कि हाँ दिल्ली का क्या सीन है, दिल्ली में कितने ज़्यादा इसके हिंदी स्क्रीन्स मिले हैं, मीन्स हिंदी शोज मिले हैं और साथ साथ के तमिल शोज कितने मिले हैं। मैं इस चीज़ को देख के ना भाई बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाओगे यार। और एक चीज़ और मैं तुम लोग यहाँ बता दूँ यार, ये जो स्क्रीन्स होते हैं ना भाई, ये चीज़ें डायरेक्टली डिफेक्ट करती है भाई बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे किसी फिल्म को लेके यार, क्योंकि जितने ज़्यादा स्क्रीन्स मिलेंगे उतने ज़्यादा लोग देखने जाएंगे और उतने ज़्यादा वो फिल्म भाई कलेक्शन करेगी, क्योंकि भाई बीस्ट में पोटेंशियल है मैन बहुत तगड़ा रिकॉर्ड बनाने का। बट सैड न्यूज़ ये है भाई, स्क्रीन से इसको हिंदी वर्जन में नहीं मिला है, तो भाई ये फिल्म क्या रिकॉर्ड बनाएगा यार। चलो फिर डायरेक्टली पेटीएम खोल के देख लेते हैं। हम लोग पेटीएम के होम स्क्रीन पे आ गए हैं, चलते हैं मूवी टिकट पे, या मूवी टिकट पहले हम लोग खोलते हैं। तो यहाँ तुम लोग देखो भाई जो फिल्म रिलीज़ हो गई है, अभी जो फिल्म रिलीज़ होने वाली है उसको लेकर भाई चीज़ें दिखा रही है। यहाँ देखो सबसे पहले नज़र आ रहा है हमारा तमिल वर्जन, फिर उसके बाद हमारा नज़र आ रहा है हिंदी वर्जन। स्टार्ट करते हैं तमिल वर्जन से, तमिल वर्जन में इसके शोज़ कितने मिले, और यहाँ मैं तुम लोग को बता दूँ इसके शोज़ देखकर तुम लोग टोटली सॉन्ग बजाओगे और साथ साथ तुम लोग भाई हंसोगे यार कि हिंदी वर्जन में मीन्स नॉर्थ साइड में इसके हिंदी शोज ज़्यादा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू उसका तमिल वर्जन। बट यहाँ हमारे नॉर्थ साइड में इसके जो भी तमिल वर्जन वाले जो शोज हैं ना भाई वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हिंदी वर्जन। ओ भाई डिस्ट्रीब्यूटर भाई सस्ता नशा करके भाई इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। देख सकते हैं नोएडा जो PVR लॉजिक सिटी सेंटर है, हाँ इस फिल्म को 5 शोज मिले हैं, फिर वसंत कुंज में 1 शोज है, ग्रेटर नोएडा में 3 शोज है, गुड़गांव में भाई 5 शोज है, PVR जो वेगास है द्वारका का वो उसके 5 शोज है, और भी देखते जाए यहाँ साकेत के 3 शोज है, 3 शोज, 5 शोज, 6 शोज, ऐसे देखो भाई शोज कितने ज़्यादा अच्छे दिखाई दे रहे हैं यार। और ये अच्छा चीज़ है यार, क्योंकि बड़ी फिल्मों को जब भी ज़्यादा स्क्रीन्स मिलते हैं तो ये सब चीज़ें भाई डायरेक्टली बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन में भाई इफेक्ट करती है यार। सो हम लोग 14 तारीख को देखते हैं 14 तारीख को क्या सीन है, 14 तारीख को किसके कितने शोज मिले, क्योंकि 14 तारीख को भाई KGF आने वाला है। 14 तारीख के इसके शोज काफ़ी ज़्यादा कम हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा, जितने 13 तारीख को देख सकते हो कि 13 तारीख को कितने ज़्यादा शोज हैं, देख रहे हो कितने ज़्यादा शोज हैं यार। ये ज़्यादा नहीं है लेकिन 14 तारीख के कंपेयर में 13 तारीख के शोज ज़्यादा है यार। सो यहाँ 14 तारीख को देख लो भाई कितने कम शोज मिले। अब तुम लोग के हिंदी वर्जन वाला दिखाता हूँ, इसके शोज देखा तुम लोग भाई लोटपोट होने वाले हो। देखो 13 तारीख को आज ही फिल्म रिलीज़ होने वाला है, थोड़ी देर में तुम्हारे भाई का शोज भी है। हिंदी वर्जन वाला इसका जो पहला शोज है भाई 12:30 से स्टार्ट है, वहीं मैं तुम लोग इसका तमिल वर्जन वाला इसका पहला शोज दिखा लेता हूँ कितने बजे से है। पहला शो इसका भाई 10 बजे से, यहाँ 9:45 से है, यहाँ भी 10 बजे, 9:30 से है, 9:40 से, 9:25 से, 8:55 से है। तो मैं देख सकता हूँ हिंदी वर्जन के शोज कितने कम मिले और जो मिले भी हैं कितने लेट लेट वाले शोज हैं। ये शोज ना जो अभी हिंदी वर्जन के हैं, ये शोज हमारे नॉर्थ साइड में ना इसके तमिल वर्जन के शोज होने चाहिए, ना कि इसके हिंदी वर्जन का शोज होने चाहिए। बात करते हैं 14 तारीख का क्या सीन है, 14 तारीख को भाई 13 तारीख के कंपेयर में बहुत ही कम शोज मिले, एक का दुक्का शोज, ये तुम लोग देख सकते हो। धीरे धीरे मैं तुम लोग स्क्रॉल करके दिखा दे रहा हूँ। 14 को भाई KGF आ रहा है तो लाजमी सब बात है, शोज तो भाई कम मिलेगा ही। सो अब हम लोग नज़र डालते हैं मुंबई का क्या सीन है, मुंबई का भी भाई ऐसे ही है। यहाँ देख लो भाई तमिल वर्जन मुंबई का क्या सीन चल रहा है, तमिल वर्जन का यहाँ देख सकते हो, माय गॉड कितने ज़्यादा शोज है भाई। यहाँ गोरेगांव का जो PVR आइकॉन ओपरा है, जो थिएटर है, उसके टोटल शोज भाई 10 है, ये तमिल वर्जन के शोज है। यहाँ तुम लोग देख सकते हो, देखते जाओ तुम लोग तमिल वर्जन में कितने ज़्यादा शोज मिल रहे हैं हमारे नॉर्थ साइड में। बहुत सारे लोग ना भाई ऐसे भी टिकट बुक कर ले रहे हैं, वो लोग लग रहा है ये फिल्म पैन इंडिया स्केल पर रिलीज़ हो रही है,
ये जो टिकट वो लोग बुक कर रहे हैं तो ये टिकट भाई वो लोग हिंदी वर्जन के लिए बुक कर रहे हैं, बट जब वो लोग भाई थिएटर में देखने जाएंगे और वहाँ भाई तमिली सीन चल रहा होगा तो वो लोग को कितना ज़्यादा बुरा फील हो रहा होगा। तो वो देख रहे हो भाई कितने ज़्यादा इसके शोज मिले यार, काश ये हिंदी के इतने ज़्यादा शोज मिले होते भाई, फिर तो अलग ही सीन चल रहा होता यार। यहाँ देखो 13 तारीख का ये सीन है, 14 तारीख को मैं तुम लोग को दिखाती हूँ इसका तमिल वर्जन में कितने शोज मिले हैं। 14 तारीख को 13 तारीख के कंपेयर में थोड़ा कम मिले हैं, क्योंकि हम लोग को पता है रीज़न क्या है, KGF है, आ रहा है KGF। सो अभी मैं तुम लोग को दिखाता हूँ मुंबई में इसके हिंदी वर्जन के कितने शोज मिले हैं। हिंदी वर्जन खुल गया, यहाँ तुम लोग देख सकते हो हिंदी वर्जन का क्या सीन है। इसी थिएटर में भाई ये जो बीस्ट के तमिल वर्जन के 10 शोज मिले हुए थे, और इसी थिएटर में इसके हिंदी वर्जन का मात्र 1 शोज मिले हैं। कितनी नाइंसाफी है यार, यहाँ तुम्हें देखते जाओ क्या हो रहा है, हिंदी वर्जन का 300, 304, 305 ऐसे ही। यहाँ सबसे ज़्यादा थोड़ा शोज मिले हिंदी वर्जन वाला सिनेपोलिस थाने का, थाने वेस्ट का ये, यहाँ 10 शोज मिले, बहुत अच्छा चीज़ है। 950 से भाई इसका सीन स्टार्ट होने वाला है, मीन्स पहला शो स्टार्ट होने वाला है। और यहाँ ग्रैंड जो सेंट्रल मॉल है उसके भी भाई यहाँ 13-14 शो मिले हैं, अच्छा है मैन। बट ऐसे ही हर जगह जो भी थिएटर है ना भाई, ऐसे ही भाई हर थिएटर में भाई कम से कम 4-5-6 शोज तो भाई रखने ही चाहिए थे भाई। हिंदी वर्जन की बात करो यार, देखते जाओ कितने कम शोज मिले हैं यार, देख लो भाई। 14 तारीख को भी मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ हिंदी वर्जन में कितने शोज है भाई। 14 तारीख को भाई देख लो यार, बहुत कम है यार ये फिल्म भाई, हिंदी वर्जन में बहुत मुश्किल से कमाई करने वाली है भाई।